इतनी स्पीड से ये ठंडा होता है और गर्म होता है मैंने सोची नहीं थी। जैसे ही मैं इसको उठाऊंगा ये देखिए इतना फास्ट होगा ये नहीं सोचा था। तो ये सेम हैंडल वैसा ही निकलता है जैसे कि जेबीसी के अंदर हैंडल आता है, सेम वैसा ही हैंडल है। तो बिट क्लीनर जो है उसके अंदर अलग से इस टाइप का दिया हुआ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं आपको टूल्स की कुछ ना कुछ हमेशा आपको नॉलेज देता रहता हूं। मार्केट के अंदर कौन कौन से नए टूल चल रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता रहता हूं। तो उसी तरह से आज मेरे पास ये मैकेनिक का एक मेरे पास बॉक्स है, इसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं सोल्डरिंग आयरन। इसका जो मॉडल नंबर रहने वाला है, इसका मॉडल नंबर रहने वाला है C211। ये किस टाइप का होता है, कौन सी बिट सपोर्ट होती है इसके अंदर और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, किस प्राइस में ये आपको मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात तो इसका प्राइस वाली है, तो मैं वीडियो में आपको इसका प्राइस जरूर बताऊंगा। प्राइस बताने से पहले इसके अंदर क्या क्या चीजें निकलती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि कई भाई ऐसे होते हैं फिर प्राइस से कंपैरिजन करने लग जाते हैं, वो वीडियो स्किप कर देते हैं। तो वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप करा तो इसके अंदर क्या क्या चीजें निकलने वाली, किस टाइप का ये आयरन दिखता है, वो आप सब चीजें नहीं देख पाएंगे। तो चलिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो गाइस अगर इसको ओपन करके देखने वाली बात है तो बॉक्स इस टाइप का कुछ दिखता है। इसको यहां से हम ओपन करेंगे इस टाइप से, सबसे ऊपर वाली बात है तो सबसे पहले आपको ये कैटलॉग मिलने वाली है, इसके अंदर किस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो सारी की सारी डिटेलिंग आपको इसके अंदर मिल जाएगी। बाकी मॉडल नंबर वाली बात है तो कैटलॉग पे भी लिखा है C211, इसको एक साइड रखते हैं। उसके बाद ऊपर एक फोम निकलती है, फोम के बाद जैसे कि मैं इधर देख पा रहा हूँ इधर इस टाइप की हमें दो बिट मिलती हैं। दो के अलावा कोई और भी है क्या? दो के अलावा और कोई नहीं दिख रही, दो बिट मिलती हैं। कौन कौन सी होती हैं, किस टाइप की होती हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अगर ओपन करते हैं तो ये जो आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली बिट जो होती है वो यही होती है जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हैं। ये वाली बिट आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये आप देख रहे होंगे। इसको के बिट बोला जाता है, बाकी आप किस नाम से बोलते होंगे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी उसके अलावा जो ये बिट मिलने वाली है, ये मिलने वाली है आपको बिल्कुल जो शार्प होती है सुई जैसी, ये आपको वो मिलने वाली है। ये जो हो गई हमारी इस टाइप की, ये हमारी हो गई दो बिटें। दो बिट के अलावा अगर इसके हैंडल की बात करें जो इसके अंदर से निकलता है, तो ये सेम हैंडल वैसा ही निकलता है जैसे कि जेबीसी के अंदर हैंडल आता है, सेम वैसा ही हैंडल है। और अगर इसकी फोम वगैरह की बात करें तो जो फीलिंग हम जेबीसी में करते हैं वही फीलिंग इस पर हम कर पा रहे हैं। काफ़ी सॉफ्टनेस इसके ऊपर लगी हुई है, मतलब एक रबड़ की ग्रिप लगी हुई है और ग्रीन कलर का जो जेबीसी में होता है उसी टाइप से इसके अंदर भी दिया गया है। बिट इंसर्ट करने वाली बात है तो इसके अंदर ज़्यादा नहीं, सिर्फ इस टाइप से बिट इसके अंदर इंसर्ट हो जाती है। यहाँ हमें इसके अंदर लगा देना है और लगाने के बाद अंदर प्रेस कर देना है, ये इंसर्ट इसके अंदर हो गई है। पीछे से दिखने वाली बात है तो इस टाइप से ये आपको सॉकेट मिलने वाला है। वायर की अगर क्वालिटी वाली बात करें जो हमें फ्लेक्सिबल मिलनी चाहिए वही इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। चलिए इसको एक साइड रखते हैं, मैं आगे और चेक कराता हूँ आपको। उसके बाद अगर इधर वाली बात कहें तो इसके अंदर अब मैं निकाल रहा हूँ, इधर से ये निकला हमारा मॉड्यूल जिससे ये आयरन चलने वाला है। इसको निकाल के देखते हैं बाहर। तो ये जो निकला है गाइस कुछ ये इस टाइप का निकला है, इसको भी हम ओपन करके देखेंगे कि ये किस टाइप का है। तो गाइस ये जो निकला है ये मैकेनिक ने बनाया है, जो ये इस टाइप का बनाया है। बाकी इसके वेट वाली बात बताऊं मैं आपको तो नहीं पता चल रहा होगा कि इसके अंदर कितना वेट वगैरह है, मैं वेट को देखते हुए बता रहा हूँ। ये ट्रांसफार्मर के अंदर बना हुआ है, SMPS बेस्ड बिल्कुल नहीं रहने वाला, ये है ट्रांसफार्मर के अंदर बना हुआ। और लुक वाइज जो वाली बात है तो सामने से ही किस टाइप का दिखता है आप इसको अच्छे से देख ही रहे होंगे। चलिए इसको एक साइड रख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद बॉक्स के अंदर एक बॉक्स और निकलता है छोटा सा, उसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। इसके बाद तो इसके बाद जो बॉक्स के अंदर निकली है एक पावर केबल, जैसे कि हर बार ही हम देखते हैं पावर केबल निकली है। पावर केबल के बाद एक केबल और निकली है, ये क्या काम आने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो केबल देख रहे हैं ये जैसे कि हम पहले टाइम में सॉफ्टवेयर वगैरह करते थे UFS वगैरह में ये लगती थी, उस टाइप की आने वाली है। ये जो लगने वाली है ये यहाँ लगने वाली है, कभी इसकी कोई अपडेट आती है तो इसको आप PC से अपडेट कर सकते हैं, वो मैं आपको कैटलॉग में भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी आप बताया 10 नंबर पे ये दिख रही होगी आपको, 10 नंबर की बात करें तो कंप्यूटर देख रहे हैं ना, कंप्यूटर कनेक्टिविटी, तो ये कंप्यूटर से जो कनेक्टिविटी होने वाली है वो इसका मतलब सॉफ्टवेयर जो इसका कभी आएगा तो उससे आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हर बारी की तरह एक अर्थिंग केबल निकलती है हमारी, ये रही वो चिमटी वाली। ये अर्थिंग केबल कहाँ लगती है, एक हमारी लग जाएगी इधर, मैं आपको दिखाई देता हूँ किस टाइप से ये लगती है। यहाँ से एक निकाल लेंगे, ये हमारी एक यहाँ पर लग चुकी है। और ये जो हमारी दूसरी वाली साइड बची है इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं जिससे कि आपकी ये अर्थिंग हो जाएगी। अर्थिंग के बाद अब इसकी जो मेन चीज़ आई है मैं आपको बता दूं ये किस टाइप का आपको दिखने वाला है, मतलब डिस्प्ले और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर फीचर्स हैं मैं आपको वो उसके बारे में बता देता हूँ।
सबसे पहले अगर फीचर वाली बात कहें तो ये मेरे पास, जैसे कि आप ये हैंडल देख रहे हैं, ये वाला हैंडल, इसकी अगर मुझे सपोज मान के चले अगर इसकी मेरे को बिट क्लीन करनी है तो बिट क्लीनर जो है उसके अंदर अलग से इस टाइप का दिया हुआ है। अगर बिट क्लीनर की बात करें तो भाई क्वालिटी काफ़ी नो डाउट अच्छी हैवी क्वालिटी इन्होंने बना रखी है, और ये पॉली पन्नी के अंदर है, इसको जब आप यूज़ करेंगे तो इसको निकाल सकते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा एक, ये दूसरी बात ये, अगर आपको ये वाली बिट इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, अब आपको चेंज करना है, ये कोई छोटा जंपर लगाना है या कुछ उस टाइप से ये बिट यूज़ करनी है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। चलो निकालने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको रखने वाली बात है तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, और रखने के साथ साथ इसका जो ये सॉकेट है, इसका सॉकेट लग जाएगा हमारा पीछे यहाँ पर कुछ इस टाइप से, ये जैसे कि मैंने लगा कर आपको दिखाया है, ये रहा, इस टाइप से लग जाएगा। इसको फ़िलहाल अभी निकाल लेते हैं, और यहाँ से जैसे इसको सॉकेट लगाएंगे यहाँ से आपका एक ऑन ऑफ स्विच भी दिया गया है। इस बिट को अगर मुझे यहाँ से निकालना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे ऐसे करके इस टाइप से निकाल लेना है। देखो कितना इजी हो गया इसको यहाँ से निकालना, और मैं आपको बता देता हूँ फिर एक बार, यहाँ ऐसे रखना है और इसको ऐसे पीछे करके निकाल लेना है। कई बार ऐसे होता है कि जैसे कि आपने देखा बिट निकाल दी गिर जाती है, इसके अंदर नहीं गिरती। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं मैकेनिक ने इसके अंदर एक रबड़ दी हुई है जिससे कि हमारी बिट गिरती नहीं है, यहाँ पर अगर हमने लगाई तो यहाँ पर आराम से लगी रहती है। ये तो इसके अंदर एक खूबी हो गई, और इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप राइट हैं तो राइट से यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट से यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो स्क्रू है आप इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद इधर लगा सकते हैं अपनी टेबल पे, जैसे आप रखेंगे उस ज़रूरत के हिसाब से जिधर आपको सूटेबल लगता है वो आप उस तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो चलिए इसको अब ऑपरेट करने वाली बात है, तो इसको फटाफट से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इसके बाद इसको देखते हैं कि किस टाइप का इसका डिस्प्ले हमें दिखने वाला है। तो गाइस जिसके अंदर मैं सारा का सारा इसको असेंबल कर चुका हूँ, असेंबल करने के बाद पीछे जो ये हमारा स्विच है इसको मैंने ऑन किया, और यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही होगी। अब डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही होगी इस टाइम पर, ये मेरी जो है अगर टेम्परेचर वाली बात कहें तो इसके अंदर मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ स्टोरेज भी मुझे दिख रही है, चैनल 1 दिख रही है, 2 दिख रही है एंड 3 दिख रही है। इसके अंदर अलग अलग सेटिंग है, अगर जैसे कि सेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो चैनल 1 पे जो लगा हुआ है हमारा 330 लगा हुआ है, ये आपको शायद कैमरे में दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, 330 चैनल 1 पे लगा हुआ है, 360 चैनल 2 पे लगा हुआ है, 400 लगा हुआ है चैनल 3 पे। इसके अलावा इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं, कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी हम इसको ईजिली कर सकते हैं। अब इसकी बात आती है इसको उठाते ही क्या ये चलता है या नहीं चलता, देखो यार इसकी हीटिंग, देखो हीटिंग एक चीज़ नोटिस करना इसके ऊपर हीटिंग की वाली बात है, तो देखो मैं इसको उठाऊंगा कितने सेकंड में ये हीटिंग जाएगा। अभी आप इसका टेम्परेचर जो देख रहे होंगे, ये पैन जो देख रहे होंगे, मैंने इसको ऊपर यहाँ पर रखा हुआ है तो इसलिए टाइम पे ये गर्म नहीं हो रहा, हीट नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इसको उठाऊंगा ये देखिए 330, फिर मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ, ये देखिए नीचे जा रहा है, ये ठंडा कितनी स्पीड से होता है वो भी आपको दिख रहा होगा, और ये कितनी स्पीड से अगर ये गर्म होता है तो वो भी आपको दिख रहा होगा। यार इतनी स्पीड से ये ठंडा होता है और गर्म होता है, मैंने सोची नहीं थी वैसे ये इतना फास्ट होगा, मैंने सोचा था नॉर्मल है कुछ भी है कि हो सकता है, मगर इतना फास्ट होगा ये नहीं सोचा था। चलिए इसको एक बार ऑन करके देखते हैं, अभी 100 है, 1-2 भी नहीं कर पाया मैं, ये 330 पे पहुंच जाता है, इतना ये फास्ट है। अब इसके आयरन की अगर कॉस्ट वाली बात है तो इसका मैं आपको कॉस्ट बता देता हूँ। तो गाइस जब इस आयरन की अगर कॉस्ट वाली बात है तो मैं इसका कॉस्ट बता देता हूँ, ये जो आयरन है आपको 7,000 रुपये के अराउंड ये आपको आयरन मिलने वाला है। ये मैं जो लेकर आया था आपको दिखाने के लिए लोयर टेलीकॉम से लेकर आया था, अगर आपको ये परचेस करना है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, स्क्रीन पर मैंने नंबर दिया हुआ है। अब इसको जैसे ही मैंने उठाया ये 330 तो पहुँच गया, अब मुझे इसको सपोज बिट को निकालना है यहाँ से तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था इस तरीके से मेरे को बिट निकाल लेनी है। ये देखे ना बिट निकाल ली और मैं इसको यहां रख दूंगा, ये गिरेगा भी नहीं। अभी जो देख रहे मेरे हाथ इधर से बैलेंस नहीं था तो इसलिए बिट निकल के, अगर मैं अपनी साइड करके निकालता तो ये अच्छे से निकलती। अभी आप यहां पे देख रहे होंगे ये एकदम बिल्कुल 00 है, इसके अंदर कोई भी कुछ भी नहीं है। चलिए इसको बंद कर देते हैं अब। तो गाइस अभी आपने देखा, अभी मैंने आपको मैकेनिक का आयरन दिखाया जो कि इस टाइप का आयरन मिलने वाला है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो देखो भाई इनकी पावर सप्लाई हो या फिर पावर सप्लाई के अलावा SMD वगैरह हो, वो मेरे को इनकी बिल्कुल पसंद नहीं आती, मगर ये जो आयरन है इनका मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे नहीं कि मैं कोई आपको गलत चीज़ बता रहा हूँ, जो चीज़ अच्छी है मैं उसको अच्छी बताऊँगा, जो चीज़ मेरी समझ में नहीं आई तो मैं आपको वही बताऊँगा कि यार ये मेरी समझ में नहीं आई। फिर भी आपकी मर्ज़ी, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मगर नो डाउट आयरन की बात करें तो आयरन भाई बहुत अच्छा लगा इनका मुझे। 7,000 रुपये के आसपास का ये आयरन का रेट है, SMPS के अंदर नहीं है, ट्रांसफार्मर के अंदर बना हुआ है, 3 स्टोरेज है, चैनल, और आप चैनल पे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं तो वो सेट कर सकते हैं। और मैकेनिक की खुद जो अपनी बिटें आती हैं, 2 बिट इसके साथ आती हैं, एक सुई वाली बिट आती है और एक के बिट जो बोलते हैं वो इसके साथ आती है। जो जो चीज़ें निकलती हैं मैंने आपको पूरी की पूरी इस वीडियो में दिखाई दी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।